रानौली कस्बे में प्रशासन गांव के संग अभियान के फॉलोअप शिविर में शुक्रवार को रानौली में बिजली पानी तथा राजस्व के मामलों में ग्रामीण अधिकारियों को घेरे रखा। भाजपा किसान मोर्चा पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष गजानंद कुमावत और मदनलाल वर्मा के नेतृत्व में जिला परिषद सदस्य जमुना देवी की ओर से डेरावाली ढाणी से टोडी नाका तक कटान शुदा रास्ते से अतिक्रमण हटाकर रास्ता खुलवाने की शिकायत दी है। इसी के साथ रानौली सांगरवा सड़क मार्ग से सूर्यनगर तक तथा बेत की ढाणी से रानौली शमशान घाट तक पद्मावती नदी में हुए अतिक्रमण से बंद रास्तों को खुलाने की मांग की है। उधर रानौली के वार्ड 12 की महिलाओं ने पानी की समस्या को लेकर सहायक अभियंता का घेराव कर लिया तथा प्रभात गढ़वाल ने वार्ड 14 में नई ट्यूबवेल बनाने की मांग का ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपा। फॉलोअप शिविर ग्राम पंचायत रानौली बेत की ढाणी शिशु तथा सूजावास का संयुक्त रूप से कृष्णा मैरिज गार्डन में आयोजित किया गया। इसमें अधिकांश मामले रानौली के सुलझाए गए। इनमें राजस्व विभाग के कुल 63 मामले आए, जिनमें नामांतरण के 57, आपसी सहमति के 2 मामले निस्तारित किए गए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पालनहारा योजना में 4 जनों को जोड़ा गया है और एक बालिका की छात्रवृत्ति का आवेदन प्राप्त हुआ। शिविर में एसडीएम राजेश मीणा, तहसीलदार विपुल चौधरी, बीडीओ गोपाल सिंह बोचलिया, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी भवर लाल गुर्जर, सरपंच रानौली ओकारमल सैनी, सुजावास से गिरधारी लाल गढ़वा, शिशु से जयराम खोवाल, गणपत दान सिंह चारण, दुर्गा प्रसाद मील, हल्का पटवारी प्रेम सुख यादव, वीडियो कमल किशोर शर्मा, रेखा राम वर्मा सहित कई अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। जैसा कि आप सभी विदित है कि गत वर्ष से 2 अक्टूबर को प्रशासन गाँव से अभियान के अंतर्गत हमारे ब्लॉक दातारामगढ़ में 63 ग्राम पंचायत में शिविर आयोजित हुए थे। तो वर्तमान में फॉलोअप कैंप आयोजित हो रहे हैं। इसका मुख्य मकसद राज्य सरकार का यही है कि पूर्व में जो कैंप आयोजित हो चुके हैं, तो उस उन कैंपों में यदि किसी वंचित व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष का यदि कोई काम वगैरह कार्य वगैरह हो नहीं पाया तो इन कैंपों में कैंपों में हो सकता है। आप सबको यह भी जानकारी कि इन कैंपों के अंदर पूर्व में काफ़ी लोगों को लाभान्वित किया गया था, जिसमें 19 से अधिक विभागों ने इसमें शामिल रहे थे। और वर्तमान में भी इसी कार्ययोजना के साथ में यदि कोई वंचित व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष का कोई योजना का लाभ यदि नहीं मिल पा रहा, उसका लाभ ये देने का प्रयास किया जा रहा है। और सभी डिपार्टमेंट है, मुख्य रूप से हमारे पंचायत राज डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, सामाजिक सुरक्षा अधिकारिता विभाग की कई ऐसी स्कीम है जो छोटे छोटे व्यक्ति की विशेष की योजनाएं हैं जिनका लाभ दिए जाने का हमारा प्रयास है और उसके लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। और इसके साथ में सभी जो जनप्रतिनिधिगण, मीडिया बंधुओं, सभी लोगों का सहयोग भी अपेक्षित प्राप्त होगा।